हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 का क्वेश्चन पेपर लेके। प्रीवियस वाला वीडियो जो लोग नहीं देखा अभी तक, यूपीपीसीएल जेई बोल के जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख लीजिए, और जिसको पीडीएफ चाहिए लिंक ट्रांसक्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 देखिए, द पावर फैक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूनिट, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव। तो ओनली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो है 1 होता है। 102 में देखिए, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर ए स्पेसिमेन इज फाउंड टू बी लार्ज, दिस मींस दैट द हिस्टेरेसिस लॉस इन दिस स्पेसिमेन वुड बी लार्ज। ओके, 102 का 1 लार्ज। द प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड। मेरा नोट जो लोग लिए हो वहां पे ये अच्छे से दिया हुआ है, एवरेज लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, और डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, और वापस में उन लोगों का वापस में रिलेशन क्या होता है। तो सब कुछ दिया हुआ है, जो नोट्स में जाकर मिला लीजिएगा। 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फीडर, तो बूस्टर जो होता है, ठीक है, बूस्टर, बूस्टर को बूस्टर ट्रांसफॉर्मर कभी कभी बोला जाता है, तो ये जो होता है सीरीज में लगा रहता है फीडर के साथ। 105 का देखिए, इफ ए डिनोट्स रेट पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, बी इज एनर्जी रेट पर किलोवाट आवर, वाई इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, देन द टोटल बिल गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए प्लस बी वाई विल बी टू पार्ट टैरिफ। ठीक है, टू पार्ट टैरिफ, टैरिफ सिस्टम जो है मैं दिया दिया हूँ नोट्स में, फ्लैट डिमांड रेट क्या होता है, थ्री पार्ट टैरिफ क्या होता है, टू पार्ट टैरिफ क्या होता है, तो सब कुछ दिया हुआ है, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो रहा है टू पार्ट टैरिफ। 106 का देखिए, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ ए कॉयल आर इंक्रीज टू टाइम्स इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, रेजिस्टेंस देखिए कभी कभी आता है, यहाँ पे इंडक्टेंस देखिए आया है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डबल। ठीक है, 106 का आंसर है डबल। 107 का देखिए, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक उपयुक्त सामग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह पे होगा PU239। ओके, 107 का आंसर PU239। ए कॉयल विद लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस विल हैव लार्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। 109 का देखिए, टू रिड्यूस द स्टेफनेस ऑफ वेव फ्रंट टेस्ट इज यूज्ड, तो यहाँ पे होगा चार्ज मॉडिफायर। ओके, चार्ज मॉडिफायर इज यूज्ड। 110 का देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटर डिमांड टू जनरेटर कैपेसिटी इज यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये भी मेरा नोट्स में दिया हुआ है, 110 का है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का ये डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटर डिमांड टू द जनरेटर कैपेसिटी। 111 का देखिए, इन अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द पोटेंशियल वी ऑफ ए चार्ज स्फीयर वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस वन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, तो ये है आंसर। 112 पर देखिए, तो नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर हैज लो मैग्नीट्यूड एंड स्मॉल पावर फैक्टर, ये भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये एमसीक्यू। 113 का देखिए, इफ द वेरिएबल लॉसेस इन ए डीसी मोटर इज 600 वाट, देन द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मोटर द कांस्टेंट लॉस मस्ट बी 600 वाट। द मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, वेरिएबल लॉस इक्वल टू होता है कांस्टेंट लॉस, तो ये भी 600 वाट होगा। 114 का देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स ओनली वन वाइंडिंग, कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली, इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो ओनली 3 होगा। इंडक्शन मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 114 का ओनली 3 नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। 115 का देखिए, दो डीसी श्रृंखला जनरेटर समानांतर में चल रहा है, एक इक्वलाइजर वायर नियोजित किया जाएगा दो समान मशीनों से बराबर धाराओं को लोड से गुजारने के लिए। ओके, 115 का आंसर जो है 2। 116 का देखिए, स्टेटर वाइंडिंग इन द रिपल्सन मोटर इंप्रूव्स पावर फैक्टर एंड रेगुलेट स्पीड इफेक्टिवली। ठीक है, 116 का आंसर है 2। 117 देखिए, द एनर्जी मीटर यूज्ड इन होम इज एन एग्जांपल ऑफ
इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। 118 का देखिए, डैम्पर वाइंडिंग एंड पोनी ब्रेक आर मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, 118 का सिंक्रोनस मोटर। 119 का देखिए, ए सिंगल फेज थ्री वायर एसी सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर वायर एंड वन न्यूट्रल, ठीक है, टू कंडक्टर वायर एंड वन न्यूट्रल। 120 देखिए, इन ए ट्रांसफॉर्मर द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द नो लोड करेंट बाय एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। 121 देखिए, ए कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन कैन बी डिटेक्टेड बाय हिसिंग साउंड, फेंट लुमिनस ग्लो विच इज ब्लू इन कलर, प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच इज डिटेक्टेड बाय ऑर्डर। तो इसमें सारा ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ओनली 1, 2 एंड 3। 122, द थियोरम इज एप्लीकेबल ओनली टू टू सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेयर देयर आर रेजिस्टेंस एलिमेंट बिटवीन द सोर्सेस, दिस थियोरम इज मिलमैन्स थियोरम। ओके, सर्किट थ्योरी से आया मिलमैन्स थियोरम का यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बता दिया है। 123, which of the following is not an effect of iron losses in a DC generator? तो जो है टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये कोई मतलब इफेक्ट नहीं है ये टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज का, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो रहा है। 124 देखिए, केप्लन टर्बाइन इज ए डैश टर्बाइन एंड द वाटर हीट्स द टर्बाइन ब्लेड्स डैश, तो कप्लान टर्बाइन इज ए रिएक्शन टर्बाइन एंड द वाटर हीट्स द टर्बाइन ब्लेड्स एक्सियली। ओके, तो ऑप्शन हो रहा है 3। 125 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सारे करेक्ट है, ओनली वन का करेक्ट नहीं है, जो डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज थ्री ब्रेकर्स, ओके, थ्री ब्रेकर्स, ये करेक्ट नहीं है, तो 125 का जो आंसर है 1। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 126 लेके डिस्कस करेंगे, अब तक के लिए चलिए धन्यवाद। और जो लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया हूँ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।